हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म बताती है कि आत्महत्या के बारे में सोच रहे किसान के दिमाग में क्या चलता है। ये एक मराठी फिल्म है। चलिए मैं इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में आपसे बात करता हूँ। मराठी सिनेमा को समर्पित इस सीरीज चला चित्रपट बघुया, हिंदी में इसका मतलब चलो फिल्में देखें, मैं हम आपका परिचय कुछ बेहतरीन मराठी फिल्मों से कराएंगे। वर्ल्ड सिनेमा के प्रशंसकों को अंग्रेजी से थोड़ा ध्यान हटाकर इस सीरीज में आने वाली मराठी फिल्में खोज कर देखनी चाहिए। आज की फिल्म है गाभ्रीचा पाउस, जिसका हिंदी में मतलब हुआ कमबख्त बारिश। बारिश कवियों, लेखकों और शायरों ने जिसे रोमानियत से जोड़कर रंगीन बना दिया है, वही बारिश किसी के लिए जीने मरने का संगीन मसला भी हो सकती है। बारिश की इसी क्रूर पहलू को दर्शाती है फिल्म गाभ्रीचा पाउस। भारत में किसान की किस्मत सीधे बारिश से जुड़ी हुई होती है। बरसात ही उसके सपनों को बना और बिगाड़ सकती है। ये फिल्म ऐसे ही टूटे सपनों का सिनेमा के पर्दे पर सच्चा चित्रण है। महाराष्ट्र का विदर्भ किसानों की आत्महत्याओं के लिए कुख्यात है। महाराष्ट्र में जितने हर साल हौसला हारकर मौत को गले लगा लेते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा विदर्भ से ही आते हैं। इसी विदर्भ प्रांत के एक गांव में अपनी माँ, बीवी और बेटे के साथ रहता है किसान। वो जिसके बाप दादाओं के पास कभी 30 एकड़ जमीन थी, जो साहूकार के कर्जे से सिकुड़ती सिकुड़ती सिर्फ 7 एकड़ रह गई है। फिल्म अपने पहले सीन से ही आपको दहलाना शुरू कर देती है। दो बच्चे साइकिल पर खेल रहे हैं, खेलते खेलते खेतों की तरफ निकल जाते हैं और फिर अचानक से फ्रेम में पेड़ से लटका एक शरीर दिखाई देता है। एक और किसान ने खुदकुशी कर ली है। मरने वाला किसना का दोस्त था भास्कर। उनके गांव में 2 साल से बारिश नहीं हुई। साहूकार का कर्जा, बिजली विभाग का तगड़ा बिल और बारिश की बेवफाई ने भास्कर को निगल लिया। जो हालत भास्कर के थे, वही किसना के भी हैं। वही कर्जा, वही गरीबी और वही मौसम की मार। किसना के परिवार को डर लगने लगता है कि कहीं वो भी भास्कर की राह पर न चले जाएं। यहीं से शुरू होता है किसना की बीवी अलका और उसकी माँ का वो संघर्ष, जिसमें उन्हें किसना का उत्साह हर हाल में बनाए रखना है। तमाम निराशाजनक हालात के बावजूद पल पल इस बात पर नजर रखनी है कि वो कहीं डिप्रेशन में तो नहीं है। इसके लिए अलका अपनी तरफ से खूब कोशिशें करती है। फिर चाहे वो बिना किसी त्योहार के पूरण पोली बनानी हो, अपने बेटे दीनू को पति पर हर वक्त नजर रखने का काम सौंपना हो, जब बीज के लिए पैसे नहीं होते तो तुरंत अपने गहने उतार देती है ताकि पैसों की कमी से किसान का हौसला ना टूटे। पूरे परिवार का एक ही मिशन है, किसी भी तरह किसना के मन में आत्महत्या का ख्याल ना आए। क्या परिवार की ये कोशिशें कामयाब होती हैं? क्या किसना जान देने के विचार को मन से निकाल पाता है? क्या उसकी माली हालत में कोई सुधार होता है? और सबसे अहम सवाल यह है कि बारिश वरदान साबित होती है या श्राप? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। इस फिल्म के एक एक फ्रेम जिंदा है। पूरी फिल्म भर में एक टेंशन सी बिखरी हुई रहती है, जहाँ एक तरफ मरे हुए किसान के परिवारों की मुआवजे की मांग आपको व्यथित करती है, वहीं दूसरी तरफ एक फसल निकालने का जो भयावह अर्थशास्त्र समझाया गया है वो हिला के रख देता है। कैसे हफ्तों मेहनत करने के बाद बीज, ट्रैक्टर, मजदूरी और ट्रांसपोर्ट जैसी तमाम समस्याओं के जूझने के बाद जो किसान के हिस्से में आता है वो ना के बराबर होता है। एक्टिंग के फ्रंट पर गिरीश कुलकर्णी अद्भुत है। कुदरत की क्रूरता से चिड़ा हुआ, हताशा और हिम्मत के बीच झूलता हुआ किसान उन्होंने पूरी तन्मयता से निभाया है। जब वो फसल नष्ट होने के बाद अपने खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर खूब फूट फूट कर रोते हैं, तो दर्शकों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा होती है। मैंने एक बार पहले भी कहा है कि गिरीश मराठी सिनेमा के कोहिनूर हैं। उन्हें जो भी दिया जाए उसका परफेक्शन से निभाते हैं। उनकी पत्नी के रोल में सोनाली कुलकर्णी बेहद कन्विंसिंग सी लगी है। पति को निराशा की गर्त में डूबने से रोकने के लिए कमर कसी हुई अलका दर्शकों को यकीनन भाएगी। अलका को पति का मूड भी संभालना है और उसको पता लगे बगैर ही उसकी चिंता भी करनी है। सोनाली ने बॉडी लैंग्वेज से लेकर लोकल भाषा तक सब कुछ सफाई से आत्मसात किया है। किसना की मां के रोल में ज्योति सुभाष प्रभावी हैं। 30 एकड़ से 7 एकड़ तक का डाउनफॉल देख चुकी हैं। बुजुर्ग औरत जो अपने बेटे में हौसला इंजेक्ट करने की भरपूर कोशिश करती हैं। ज्योति सुभाष मराठी कैरेक्टर आर्टिस्ट की दुनिया में यकीनन बड़ा नाम है। किसान के बेटे दीनू की भूमिका में अमर अत्तार जमते हैं। खास बात यह है कि इंडियन फिल्मों में बच्चों को हिस्से से जो मेलोड्रामा आता है उससे दीनू का किरदार दूर है।
इसीलिए वो बहुत सजग से लगते हैं। जिस मुल्क की टैगलाइन में कृषि प्रधान देश लिखा हो, वहाँ किसान की ऐसी खस्ता हाली दुखी भी करती है और चिढ़ भी दिलाती है। और इसके डायरेक्टर हैं सतीश मनवर। फिल्म में मौजूद डार्क ह्यूमर आपको विचलित कर देता है। जैसे एक सीन में उजाड़ खेत में FM सुनते किसान और रेडियो पर हिमेश का एक बार आजा आजा गाना चल रहा होता है। बारिश के इंतजार में तरसते किसानों के हालात के बैकड्रॉप में यह गाना काफी संवेदनशीलता पर सीधे चोट करता है। शब्दों की जगह दृश्यों से बात करने वाले सतीश मनवर की ढेर सारी तारीफ तो बनती ही है। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म मौजूद है, वक्त निकालकर जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म आप जरूर देखें और देखकर हमें कमेंट करें कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।